तो जड़े भी मन कोई भी जानवर पीड़ित दिखा है तो सारा काम छोड़ के मैं अपने जानवर के लिए हमेशा 24 घंटा जानवर के लिए रात ने दिन रात 24 घंटा जब भी मन कोई कॉल आ तो मैं तैयार रहूँ। इनका पापा ही इनका मम्मी ये सारा पूड़िया खाई शराब पी, मैं छोटी बच्ची सुरक्षित को नहीं, कोई बूढ़ी महिला सुरक्षित कौन, जो कि बस महिला ईवी को पति भी शराब पी की मारी तो मन पता चले मैं गई भी कन। तो फ्लिकी का लॉन्चिंग धमाका, फ्लिकी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और 30 दिन तक फ्री में पढ़ें। SSC बैंकिंग, रेलवे, RSM, SSB, RPSC के 30 से ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के कोर्स। झुंझुनू जिला के अंदर भी है कि एक जो समाज सेविका के रूप में जो काम कर रही हैं सुमन जी चौधरी, जो आज आपने साथ ही बातचीत कराएंगे। 19वीं सदी में जब देश में परिवर्तन की एक लहर जो सावित्रीबाई फुले के द्वारा लेके आई गई ही, काफी सपोर्ट बने बाग परिवार के द्वारा करे हुए हो, लेकिन समाज के द्वारा है कि काफी बार प्रताड़ित कराया गया है, तो आज बातचीत करांगा आप पूछांगा बाके बारे में भी थोड़ा सा जानांगा कि आज समाज में कतो की परिवर्तन है वह देखे हैं। माँ की ममता पाठशाला है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकान बताओ। इनके बारे में ये उद्देश्य है कि मैंने सोचा कि मेरे पास इतना तो कुछ है नहीं कि मैं इनकी मदद कर सकूं, तो मैंने सोचा शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा करूं ताकि ये भी शिक्षा के स्तर में आगे आए। इनको शिक्षा से थोड़ी दूर है, वंचित है, इनको पढ़ने लिखने का वो नहीं है, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बताऊं। तो इन बच्चों को ना बोलने की तमीज़ है, ना कपड़े पहन रखे, ना पैरों में चप्पल है इनके, तो मदद तो एक बार कर देंगे, दो बार कर देंगे, फिर इनकी वो आदत ख़राब हो जाएगी। तो मदद की बजाय मैंने सोचा इनके लिए शिक्षित करें इनको, ताकि अच्छे से पढ़ना लिखना जाने, अच्छे से कपड़े पहनना, बड़ों की इज्जत करना, तो मैंने इनको पढ़ाने का निश्चय किया। लगभग कौन सी ईयर में थे है कि अठे यो पढ़ान की शुरुआत करी? एक साल हो गया मुझे, क्योंकि मेरे कन इतना तो है को नहीं कि मैं कले बिल्डिंग ले सकूँ या कुछ वैन वगैरह लेके किराए पर के दूसरी स्कूल जगह खरीद पढ़ा सकूँ मैंने, तो मैं सोचा इनकी बस्ती में बच्चा ने पढ़ाऊँ ताकि मेरे पर भी ज़्यादा वो खर्चों को नहीं आवा, अठे इन्हें पढ़ा लूँ, अठे इनका घर कान भी कुछ साथ साथ में समझाऊँ। कई बच्चा ही पढ़ने की बजाय भाग जाए ही तो उन्हें दोबारा पकड़ के लिया हूँ, ये थोड़ा बदमाश बच्चा भी ही लिए अठे ही पढ़ाना ज़्यादा बेटर है ताकि कोई भाग भी जाए तो आपकी बस्ती में ही रहे। कच्ची बस्ती में थे जो पढ़ान की एक शुरुआत करी ही, आज जो देखा कि शिक्षा की सौ बड़ी जरूरत हैरी भाई फुले जी की बात करा, महिला शिक्षा के मान एक अहम रोल की जी टाइम तक देखा कि बाऊ पहली कोई महिला ही शायद हिम्मत भी कौन कर पाई कि भाई एक शिक्षा के मान लेके आऊं या फिर महिला ने पढ़ाऊं। आज जो कच्ची बस्ती ही बकमान थे जो बीड़ो उठा रखे है तो के हौसला है, क्योंकि बाकी थोड़ा सो अगर इतिहास की बात करें तो काफी बाके समय भी जो चुनौती रही बाकी बरा भी थोड़ा सो बहुत अगर कदे थे नॉलेज लियो थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो मैंने भी काफ़ी मुश्किल आई जय मैं पढ़ाना हूँ तो लोग हैं या सिर्फ दिखाओ करे, ढोंग करे, राजनीति में आवन की कोशिश करे, कोई कहीं पिसा खाने की कोशिश करे, कोई कहीं का काम तो है को नहीं लिए खराब होती अंड है, यानी काफ़ी समस्या को सामना करना पड़े, पर मैं लोगों की बात ना एक साइड में करके मन लोग के हैं मेरे बारे मन कोई मतलब को नहीं, बच्चा मैं सोचू 50 बच्चा पढ़े मेरे का निरंतर, अड़ो अगर 2-4 बच्चा भी सक्सेस हो जाए और कुछ बच्चा ढंगू पढ़नो लिखनो या थोड़ा बहुत किताब पढ़नी या उठनो बैठनो सीख जाए मेरे लिए वही बहुत है। फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला कोई के बारे में लोग काफी यही मिल रहे हैं कि क्यों दिखाओ कर रहा है, क्या दिखाने चाहे है, सरकार खूब व्यवस्था कर रहा है बच्चा के लिए, पढ़ेगा तो बड़े ही पढ़ लेगा, है कि काफी समस्या का सामना करना पड़ा है, पर मैं बने बड़े पर ध्यान दे कि मैं निरंतर मेरे एक ही लक्ष्य है कि अन्य बच्चा ने कहा भी बस्ती का जो भी बच्चा है अन्य मैं शिक्षित करूँ, अन्य पढ़ाऊँ मैं, अन्य के लिए उचित खान पीने की व्यवस्था, अन्य का पापा ही इनका मम्मी वह सारा पूड़िया खाई शराब पी मैं, तो मैं बन के लिए भी फुल कोशिश करूँ, पूरी कोशिश करूँ कि वह शराब हूँ और पूड़िया हूँ अनु खुद दूर रहेगा जड़े इनका बच्चा दूर रहेगा, तो बने भी काफ़ी महीना में एक दो बार सारा बैठा के बने बार बार समझावा कि थे दारू मत पियो, थे भीड़ मत पियो, थे छोड़ोगा जब ये टाबर छोड़ेगा, तो वह काफ़ी में सुधार भी है, मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि ठीक है हमारे बच्चा के लिए तो करो तो भेजें भी शुरू शुरू में तो बड़ा भेजा ही कौन बच्चा की रहने दे मैं कौन पढ़ाऊँ, अब जाए मैं बड़े आऊँ तो मैंने कहा मम्मी पापा आवाज लगा जाओ मैडम आ गई पढ़ लियो तो अच्छो लगा है, बच्चा भी काफ़ी नहान धोन लगा नहीं तो नहाता ही कौन 10-10 दिन नहाता कौन इन्हें ब्रश करता, अब सुबह उठता है ब्रश करनो नहाो है सारा काम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। काफी लोग ही आपको जन्मदिन सेलिब्रेट करने लोग आए हैं तो काफी मदद भी जो फिलहाल हो रही है। हाँ काफी मदद हो रही है, जाए कोई भाई को जन्मदिन है आसपास के गांव कहीं भाई सारा लेके आवे अपने ऐसे अनुसार कोई कुछ लेके आ कोई कुछ लेके आवे मैं आपका हाथों वन खिलाऊं तो बड़े भी खुशी हुआ है कि चलो जरूरतमंद बच्चा ही अंडे खिला के बड़े भी खुशी महसूस हो और मन भी अच्छा लगा चलो कि आपने माध्यम हुआ बच्चा कुछ खाने मिल रही है, दो बार स्वेटर मिल गई जूता मिल गया चप्पल मिल गई ड्रेस स्कूल ड्रेस मिल गई सिर्फ भाया के माध्यम सब कुछ मिल रहे है, जगह भाई दूर बैठे हैं भाई कोई कोई 1100 रुपया उसने कोई 500 रुपया दे बन को सामान खरीद के 10-20 हज़ार रुपया इकट्ठा हो जाता कौन अच्छे हो सामान दे दे अंडे। अभी जठे थे या जो पढ़ाई लिखाई करवा रहे हो जो एक कच्ची बस्ती है इक अंदर जो अठे कठा का जो लोग रह रहे हैं या फिर ये कौन लोग हैं जो अठे आके अभी रह रहे हैं और बंका बच्चा ही जो बंकले थे या व्यवस्था अभी कर रहे जोधपुर और बूंदी का परिवार ही अनका ये बच्चा ही
अच्छा तो के जो के काम करे हैं मोस्टली जो परिवार अठे रह रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी में, क्योंकि ये टाइम अति सर्दी के अंदर भी ये सिर्फ झुग्गी झोंपड़ी में रहे, तो के अठे को के रोजगार या फिर के अन्ना सारा मजदूरी पर जाए, सुबह जाए मजदूरी पर 9 बजे जाए, शाम का 5 बजे आऊं, मैं काम फ्री हो जाऊं तो मैडम आगे बैठ जाऊं, सारा बच्चा नेक्स गा बैठा लियो और आम ये बच्चा मेरे बैठा रहे, कुछ पढ़ाई कर लें, थोड़ी देर खेल ली, थोड़ी देर साथ कविता कहानी सुन लिया। पढ़ाई लिखाई के अलावा या फिर जो एक काफी सोशल वर्क करने के अलावा भी जो देखा कि बेसारा पशु पक्षी ही, बाकी भी काफी बार थे है कि लोगों अपील करो हो, लोगों रिक्वेस्ट करो हो, तो वो भी के उद्देश्य है अभी के पीछे भी के मकसद थारो को है? बेसारा जानवर भी बेचारा बेसारा है, इनको कोई कौन तोड़ का पाई, हाँ ये अपने पर ही आश्रित थी, तो जड़े भी मन कोई भी जानवर पीड़ित दिखा है तो सारा काम छोड़ के मैं अपने जानवर के लिए हमेशा 24 घंटा जानवर के लिए रात ने दिन रात 24 घंटा जब भी मन कोई कॉल आता मैं तैयार हूँ, एंड जानवर की मदद करके मैं तो सुकून मिल रहा है कि जो कोई भी काम में कौन मिल रहा है, तो 8 सालों जानवर की मदद तो मैं 8 सालों करती आ रही हूँ। जब मैं आई स्कूल में 4 जानवर आए, 4 कुत्ता है, इतना खुजली हो रही इनका बुरी तरह, अब मैं जब भी कै बजे भी आओ या कुत्ता पता कौन कड़ी पता चल जाए, अंबे से भाग आऊंगा अन के लिए डेली इनके पार्ले जी बिस्किट अंबे से तैयार रखूँ या अन के लिए रोटी लेके आऊँ अंडे प्यारू खिलाऊँ, ये भी मेरा वेट कर वो करें कि कद आवा कद बिस्किट खिलाओ, इतना प्यार दें ये बेसारा जानवर भी, तो अनका आप ही हाँ की देखभाल की जिम्मेदारी भी अपनी है, आप ही अपने पर ही आश्रित हैं। 8 सालों लगातार कर रहे हो तो स्कूल तो चलो अभी था 12 महीना है, लेकिन ये जो बेसारा पशुओं की मदद करनो यो के कद्दू के उद्देश्य हो या 8 साल पहले मैं कुत्तों पाले हो भी को नाम हो सोनू हो गया, जब बिन रखता जना बिन सर्दी में कंबल उड़ावता बिन नुआवता बिन दिन में 4 बार टाबर की नहीं बिन खाणो देता, तो मैंने सोचो कि अगर आप इन्हें एक टाबर की नहीं रखा तो बाद रोड पर छोटा छोटा जानवर कुत्ता हंडे बेचारा बनने भी सारी चीज़ों की जरूरत होगी, बी के बाद में मैं जानवर के लिए बाहर के जानवर के लिए भी कुत्ते के साथ साथ मैं बाहर के जानवर पर ज्यादा ध्यान दियो, घर पाल लियो वो तो एक बच्चे की नहीं है बिंदु जिम्मेदारी बनाई है, बाहर के जानवर की जिम्मेदारी उठानो एक अलग बात है, तो आज मेरे कन 10 कुत्ता तो मेरे गली का कुत्ता ही, 3 कुत्ता ही मेरे कन नेहरू पार्कन ही, 2 कुत्ता मेरे 2 नंबर रोड पर ही, 5 मेरा अठे ही, यानी अन्य डेली में खाणो देके जाऊँ, कुछ भी हो जाए मैं आंधी रुक जाए पर मैं अन्य एक बार तो खाणो बिल्कुल जरूर देके जाऊंगी चाहे कहीं भी करके एडजस्ट करना पड़ा। लॉकडाउन के अंदर के प्रोसेस कैसी थे ये चीज़ ने करो? लॉकडाउन के अंदर मैं 2 बार तो गाँव चारा की पिकअप मंगवाई रोड पर घूम घूम के, एक सुबह सुबह बनने डेली बनने सब्जी काट के सब्जी डालनो, जाए भी मेरे 10 या 20 जानवर आने जाए मेरे तो बन के लिए डेली शाम का सब्जी ला के काट के रखनी, सुबह बन जानवर आने थोड़ी 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 सब्जी या कदे बनने चारों डालनो। 8 साल पहले मैंने कोई इलाज शुरू करने मदद करने शुरू करी तो मन तो आता को नहीं, तो मैंने एक बुखार की जुकाम की टेबलेट लिया खड़ी रहती बनने कदे गुड़ में कदे दूध में, तो वह जानवर थोड़ा लेता को नहीं भाग जाता, आवारा जानवर भी हाथ भी कौन लगवाता, मन काफ़ी दिक्कत आती, कंपाउंडर बुलाती तो वो 200-400 रुपया मांग तो सुबह फ़ोन करती वो शाम तक आम तो या तो समस्या होगी, तो मैंने सोचा कि ना मैंने डॉक्टर अनिल खिचड़ जी के साथ मिलकर मैंने उनसे सीखा, मैंने कहा कि मेरे को सिखाओ अच्छे से, बार बार मैं किसको बुलाऊंगी, तो उन्होंने मेरे को 1 साल तक वो सिखाया तो मैंने उनसे सारा सीख लिया। कौन सी कुरुति या फिर देखा कि कौन सी समस्या ही जो थाने थारी नजरों थाने नजर आओ है? आज भी महिलाओं के लिए भी इतनी समस्या नजर आ रही है, मैंने तो कोई छोटी बच्ची सुरक्षित को नहीं, कोई बूढ़ी महिला सुरक्षित को नहीं, जो भी महिला बाहर ने घरों बाहर निकले कोई महिला सुरक्षित को नहीं। की प्रयास बंकले होना चाहिए कि आज जब 21वीं सदी में आप प्रवेश कर रहे हैं या 21वीं सदी में जब हाँ, तो आज भी महिला ही क्यों परेशान ही क्यों आगे क्यों को ना पा रही क्यों ही कि बने दबाने की कोशिश है जो करी जा रही है? सब पहले महिलाओं खुद के खिलाफ खुद की आवाज़ उठानी होगी, महिलाएं खुद ही बने अत्याचार हो जाना बने पूछा है बने पूछने जाए हठे एक बस्ती महिला ईवी को पति बिन शराब पी के मारी तो उन पता चले मैं गई भी कन तो पूछे भाभी जी थर के हो चलो मैं थर साथ हूँ तो आप आवाज़ उठाओ था धनपति रोज रोज मार तो बोल नहीं भाई मन तो खुद मारे, तो यानी महिलाओं खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी, जना ही जाके अपने पर अत्याचार कम होगा, खुद अगर सहन करती रहेंगी यहीं तो इनको कोई निवारण को नहीं। अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो राजस्थान पुलिस के द्वारा आयोजित करवाए गए ऑपरेशन आवाज़ जी के अंदर कोशिश करी गई कि हर महिला है जो आपकी आवाज़ बुलंद करें, बिकमान अपना झुंझुनू जिलों है काफ़ी आगे रही हो और बहुत सी महिलाएं जो बिकमान आई घर घर जाके लोग गाँव गाँव में जाके पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों ने समझाया भी गया झुंझुनू की एक सशक्त और जो समाज से भी महिला होने के नाते महिला और जो बालिका ही बन के मैसेज है जो थे आज देना चाहोगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाओं को ना अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, मैं हर समय उनके लिए तैयार हूँ, जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत पड़े शिक्षा के मामले में या किसी अत्याचार के मामले में उनको मेरी मदद चाहिए तो मैं हर समय उनके लिए तैयार रहूँगी, जब भी मुझे आवाज़ देंगी मैं उनके लिए तैयार मिलूँगी। सुमन जी चौधरी अपने साथ था बातचीत करी काफ़ी मुद्दा पर बहुत चर्चा करी, वीडियो के बारे में थारे विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बने रहो देसी खबरों के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।